आपको जान के हैरानी होगी कि पूरे अपने गांव जवार में आप पहली ऐसी लड़की हैं जो दारोगा बनने वाली है। क्या ये सही बात है? कितना लोगों को रिजल्ट देखने के पहले बीपी जो हाई हो जाता है, पैर हाथ कांपने लगते, वो वाला फीलिंग मुझे आ गया था कि पिताजी मेरे फार्मर हैं, किसान की बेटी हैं आप। एग्जैक्टली मेरे यहाँ था कि आप जब तक जॉब नहीं लीजिएगा तब तक आपकी भी शादी नहीं होगी जो कि बेसिकली लड़कों में देखा जाता है। गांधी मैदान में आने का मतलब था कि ये जॉब ही मेरे लिए बना हुआ है, मजा आया उसमें करके। एग्जैक्टली अगर टेस्ट देगा, उसको कमी पे काम करेगा, रिवीजन करेगा और जो सब्जेक्ट कमजोर है उस पे काम करेगा और वो 6 महीने ऐसे कर लेगा ना, हमको लगता है मेरिट बनेगा उस बच्चे का, जरूर बनेगा। नमस्कार, मैं हूं अंशली और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। हमारे सामने जो आपको एक लड़की दिखाई दे रही है, आपको बता दें कि कुछ दिनों के बाद इनके ऊपर वर्दी होने वाली है और उस वर्दी के ऊपर 2 स्टार लगेगा। आपको बता दें कि SI का रिजल्ट आ चुका है जिसमें 450 लड़कियों ने बाजी मार ली है, जिसमें एक सुचेता आज हमारे साथ है, छपड़ा की रहने वाली है। बहुत बहुत बधाई आपको सबसे पहले इस रिजल्ट के लिए। थैंक यू बॉस, बहुत मतलब कितना अच्छा लग रहा है, कितनी खुशी महसूस हो रही है। बहुत दिनों से आप मेहनत कर रही हैं, बहुत दिनों से प्रिपरेशन कर रही हैं, फाइनली रिजल्ट आ चुका है। बहुत खुशी हो रही है क्योंकि खुशी जब इतना हो रहा है कि हम तो मतलब कि स्तंभ हो गए कि अगर कैसे इसको बयां करें। फैमिली लोग इतना खुश है कि लग रहा है कि यही दिन आने के लिए मतलब कि इतना मेहनत हो रहा था। एक बेटी का जब रिजल्ट आता है, वो भी रिजल्ट ऐसा आता है जब वो वर्दी वाला रिजल्ट हो, एक ऐसा पावरफुल मतलब रिजल्ट हो जिसके बाद लोग आपको देखने के बाद कांपेंगे, मतलब फैमिली वाले का क्या रिएक्शन रहा पहले ये मैं जानना चाहूँगी। फैमिली तो बहुत खुश है क्योंकि इतना समय लग गया, क्योंकि हम बैंकिंग में थे फिर दरोगा बनने के सफ़र में बहुत समय लगा कि होना ही चाहिए और अंत तक हो गया। तो फैमिली तो मतलब इतना खुश है कि सब जगह अभी तक माहौल खुशी का ही है, मिठाई बटाना, गांव में पूजा पाठ, हर जगह यही हो रहा है। आपको जान के हैरानी होगी कि पूरे अपने गांव जवार में आप पहली ऐसी लड़की हैं जो दारोगा बनने वाली हैं, क्या ये सही बात है? बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल सही बात है। आपकी किसी गांव में कोई लड़की का अभी तक रिजल्ट नहीं हुआ इस सेक्टर में? नहीं, किसी का भी नहीं हुआ है। तो मतलब ये तो और अच्छी बात होगी, सोने पे सुहागा कहते हैं, वो आपके साथ जो है वो इंसिडेंट हो चुका है। कितनी मेहनत लगी है इस पोजिशन तक पहुँचने में, रिजल्ट को पाने तक में? बहुत मेहनत, देखा जाए तो अंत तक लगता कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन फाइनली लगता अंत में कि मेरा होगा और हो जाता है। रिजल्ट के पहले तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं मन में, जब आप रिजल्ट चेक करते हैं हाथ कांपते हैं, दिमाग में बहुत सारे फ्रस्ट्रेशंस होते हैं कि पता नहीं इस बार अगर नहीं हुआ तो अगली बार कैसे प्रिपेयर करूंगी खुद को। तो उस टाइम का मोमेंट मतलब उस मोमेंट का क्या था, मतलब रिएक्शन जब आप रिजल्ट चेक कर रही थी उस वक्त का मैं जानना चाहूंगी। आपको एक इंसिडेंट बता देती हूँ, जब मेरा मेंस का रिजल्ट आया तो मैं क्या की गलत चेक कर दी थी। अच्छा। और 3 बजे रिजल्ट आया था और मुझे 8 बजे पता चला कि मेरा रिजल्ट है और 3 बजे पता चला था मेरा नहीं है। अच्छा। और मैं 1 से 2 घंटे बहुत रो चुकी थी कि मेरा नहीं हुआ दरोगा में, हमको लगा कि इस साल भी मेरे हाथ से गया दरोगा। हाँ। तो 8 बजे जब रिजल्ट पता चला तो लगा कि कितना लोगों को रिजल्ट देखने के पहले बीपी जो हाई हो जाता है, पैर हाथ कांपने लगते, वो वाला फीलिंग मुझे आ गया था कि कितना ज़रूरत था ये रिजल्ट का कितना इंतजार था कि मुझे लेना है तो लेना है। PT मेंस फिर फिजिकल, पूरे 1 साल का प्रोसीजर होता है ये। इस पूरे 1 साल में खुद को मेंटेन्ड रखना या फिर खुद को मोटिवेटेड रखना कि नहीं PT निकल गया अब मेंस भी मैं क्वालिफाई करूंगी, मेंस निकल गया अब मैं फिजिकल भी क्वालिफाई करूंगी, कैसा होता है ये सीन में, मतलब ये पूरा ड्यूरेशन कैसा होता है ये मैं जानना चाहूंगी। ड्यूरेशन ये होता है कि PT के लिए प्रिपरेशन करना पड़ता है, PT के बाद मेंस होता है। हाँ। मेंस के बाद जब आकर ये फिजिकल होता है, फिजिकल हाँ। के बाद मेरिट बनता है। हाँ। तो इस दौरान हमारे बिहार में और भी एग्जामिनेशन होते हैं, CGL 3 था बिहार CGL, उसमें भी मेरा मेरिट नहीं बना था। ओके। और हाई कोर्ट का भी एग्ज़ाम था जिसमें मैंने मेंस दिया था, उसमें भी नहीं हुआ मेरा। यानी 2023 देखा जाए तो मेरे लिए बैड लक रहा, लेकिन 2023 में ही नोटिफिकेशन भी दरोगा का आया था जो मेरा 24 में फाइनल रिजल्ट दे दिया। तो वो 1 साल पहले आप उसको मतलब भाग्यशाली नहीं मान रही हो, 24 जो है वो आपको पूरा का पूरा हाईलाइट करके छोड़ रहा है। पूरे गांव की लड़कियां भी आपको इंस्पिरेशन मान रही होंगी, मतलब कुछ दिनों पहले आप एज अ स्टूडेंट जाती होंगी या फिर किसी से मिलती होंगी, अब आप एक सक्सेसफुल कैंडिडेट हो चुकी हैं, क्या लगता है गाँव की लड़कियों को क्या सीखने को मिलेगा आपसे? गाँव की लड़कियों की इस एक तो पेरेंट्स को विश्वास बनेगा कि अगर हम लड़कियों को बाहर भेजते हैं तो मेरी बेटियां कुछ ना कुछ करेगी और उनको समय मिलेगा, क्योंकि हमारे अगर सफलता में देखा जाए तो हमारे पेरेंट्स से बहुत अच्छा समय दिया गया, उनको ये एक दिखलाया गया कि आप बेटी नहीं हैं। मेरे यहाँ था कि आप जब तक जॉब नहीं लीजिएगा तब तक आपकी भी शादी नहीं होगी जो कि बेसिकली लड़कों में देखा जाता है ये, लेकिन हमारे यहाँ ये था।
तो हमारा जॉब हुआ, अब लग रहा है कि हम सही में लड़कों वाला फील करती हूँ कि सही में मैं घर की बेटा हूँ। मतलब ये तो बड़ा मतलब आश्चर्य करने वाली चीज है कि घर वाले कहते हैं कि जब तक जॉब नहीं होगा तब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी। ये बहुत कम घरों में ऐसा मिलता है देखने को। मैं तो चाहूंगी कि आपके परिवार से पूरे समाज को सीखना चाहिए कि अगर बेटियों को ऐसे बनाना है तो ऐसे प्रोत्साहित करने की जरूरत है कि भाई तुम पढ़ाई करो, शादी विवाह का टेंशन मत लो, तुम जहां बढ़ना चाहती हो वहां बढ़ो। ये बहुत अच्छा लगा सुन के। आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, पिताजी क्या करते हैं? पिताजी मेरे फार्मर हैं। किसान की बेटी हैं आप? एग्जैक्टली हाँ। आपके सारे भाई बहन, आपको बता दूं कि 6 आप भाई बहन हैं और 6 के 6 सेटल्ड हैं। हाँ, 6 के 6 सेटल्ड है। पिता किसान है, चेहरे पे कैसे चमक आई होगी जब उनको पता चला होगा कि मेरी सबसे छोटी बेटी ने भी बाजी मार ली और इतने बड़े पद पे जो है वो अभी तैनात होने वाली है। पिताजी पे इतनी खुशी है कि वो स्मार्ट किसान बन चुके हैं। किसान से स्मार्ट किसान, स्मार्ट किसान बन गए हैं क्योंकि उनका स्ट्रेटजी ऑनेस्टी काम आया है, पेशेंस। पापा में बहुत ऑनेस्टी पेशेंस भी है, लोगों को मेरे खुशी में खुशी रहते हैं और प्रमोट करते हैं, इनकरेज करते हैं लड़कियों को ज़्यादा। आप ये बताइए कि आपने पढ़ाई कैसे की है या फिर कितना समय दिया है पढ़ने में? अगर दरोगा के लिए देखा जाए तो 2213 सीट आए थे, तो उस समय से 2022 से मैंने दिया दरोगा के लिए। हाँ। और इसके पहले बैंकिंग से थी मैं, बैंकिंग का इंटरव्यू तक पहुंची, उसमें भी 4 साल मैंने दिया इंटरव्यू तक आने में। उसके बाद दरोगा में देखा है तो अगर 22 से लगा तो 2 साल 2.5 साल इधर भी लग गए इसको लेने में, 3 साल देखिए अप्रोक्सीमेटली दे हो गया इसमें भी। तो ये सफलता पंचवर्षीय योजना से कम नहीं था मेरे लिए। पंचवर्षीय योजना? हाँ, पंचवर्षीय योजना रहा जिसमें बैंकिंग से किसी भी स्टूडेंट को अगर GS सेक्टर में घुसने, यानी SSC आप जाते हैं, रेलवेज जाते हैं या दरोगा का तैयारी करते हैं, बिल्कुल डिफरेंट है। आप GS के समुद्र की दुनिया में उतर जाते हैं जिसमें बहुत पढ़ना पड़ेगा आपको। आपको ज्योग्राफी भी पढ़ना है, हिस्ट्री भी पढ़ना है, आपको हर चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए, करंट अफेयर्स पता होना चाहिए क्या चल रहा है इस दुनिया में, ये हर चीज़। तो मतलब बैंकिंग की आपने उसमें सफलता नहीं मिली, फिर आपने पहली बार दरोगा का एग्ज़ाम दिया उसमें भी सफलता नहीं मिली, फ्रस्ट्रेशन कैसा था, किस लेवल का फ्रस्ट्रेशन था आपका? फ्रस्ट्रेशन तो इतना था कि लगता था कि शायद मेरा नहीं लिखा है इतना करने के बाद भी। लेकिन आशा था कि घर से इतना सपोर्ट था कि आपके पास समय है, आप कोई चीज़ बाउंड्री नहीं, आपके पास आप तैयारी कीजिए आपका होगा। हाँ। तो परिवार का जो समय का जो था ना पेशेंस वाला, वो मेरे लिए समझिए राम बांध बन गया। सक्सेस मंत्र ये है कि टीचर तो बहुत मार्गदर्शक ही करते वो। हाँ। लेकिन अभी अगर देखा जाए दरोगा जिसे किसी को बनना है न्यू स्टूडेंट को, तो कम से कम उसको 6 महीने फंडामेंटल कोर्स करना चाहिए। अच्छा। उसको जो भी बुक का नॉलेज है बुक का नॉलेज लेना चाहिए और उसका पढ़ना चाहिए, उसके बाद टेस्ट दे के देखना पड़ेगा कि उसका टेस्ट में नंबर कितना आ रहा है, प्रोग्रेस कितना। एग्जैक्टली टेस्ट देगा तो उसको पता चल जाएगा कि हम कितने मतलब कि कितना स्कोर कर रहे, कितना और पढ़ना की ज़रूरत है। अब प्रॉपर टेस्ट देते, रिवीजन टेस्ट की बहुत ज़रूरत है इसमें। सेल्फ स्टडी का क्या रोल रहा है? अगर आप टीचर से पढ़ लेते हैं तो आपके पास सेल्फ ही बच जाता है, टेस्ट और सेल्फ, यही अब बस 2 काम आपका सक्सेस दिला सकता है। टीचर का रोल प्ले खत्म हो जाता है वहाँ पे जब आप फंडामेंटल कोर्स कर लेते हैं, जितने भी सब्जेक्ट है GS के सेक्टर में, करेंट तो खुद से पढ़ना पड़ता है क्योंकि डेली बेसिस पे आपको पढ़ना पड़ेगा, मंथली पढ़ना पड़ेगा और ईयरली पढ़ना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको सेल्फ पे बहुत बहुत काम करना पड़ जाता है। मैं भी स्टूडेंट रही हूँ और मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है कि बच्चे जो हैं या फिर जो एस्पिरेंट है जो तैयारी कर रहे हैं वो सच्चाई से बहुत दूर भागते हैं। उनको पता होता है कि रियलिटी क्या है, वो कितना जानते हैं कितना नहीं जानते हैं, कितना ज्ञान का अंधेरा है कितना उनके पास ज्ञान है, फिर भी वो लगे रहते हैं, वो मतलब उनको सच्चाई वो समझ ही नहीं पाते कि कहाँ पे कमी है और कहाँ काम ज़्यादा करना है। क्या आपको ये लगता है कि बच्चे अपने बारे में समझ नहीं पाते हैं? एक बात तो मेरे में ही ये बहुत सॉलिड बैठता है क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में जब थी तो मैं अपने कमी पे ही नहीं काम पर कर पाई, जो कि दरोगा में मैं फुलफिलमेंट कर रखा, क्योंकि वहाँ पे मैंने अपने पे लैगनेस पे काम ही नहीं कर पाया। क्या मेरे में कमी है? अगर नंबर नहीं बढ़ रहे तो कैसे बढ़ेंगे? अगर कोई सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है तो उसको कैसे हम आगे बढ़ाएंगे? तो वो समझ ही नहीं आ पाता था। लेकिन दरोगा में जैसे भी इंटरव्यू आया तो हमको लगा कि दरोगा ही मेरे लिए बना हुआ है, और जैसे जैसे कमी पता चलते गए उस पर मैं काम करते चले गए, वैसे स्कोर बढ़ते ही चला गया उस पर। जब आप तैयारी कर रही होगी तो दरोगा ऑब्वियसली लोग वर्दी के लिए जो जान देते हैं, क्या दिमाग में इमेजिनेशन होता था कि कभी बन जाऊंगी तो ऐसे मतलब मेरे पास मेरी वर्दी होगी, ऐसे मैं निकलूंगी या फिर ऐसे मेरे पास प्रोटेक्शन होगा चारों तरफ से, क्या ऐसा इमेजिनेशन आपके पास होता था?
फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया 2213 में, तो ये फील हुआ जैसे मैं गांधी मैदान में उतरी और जैसे उसमें जो वर्क होता है, फिजिकल वर्क, आपका रनिंग होता है, लॉन्ग जंप होता है, हाई जंप होता है, फिर आपका हाइट गोला फेंक होता है, उसमें बड़ा मज़ा आया, लगा कि यही मेरे लिए है। बैंकिंग से उधर ट्रांसफ़र होने का मतलब था कि हमको जोश आ गया कि हमको गांधी मैदान में आने का मतलब था कि ये जॉब ही मेरे लिए बना हुआ है, मज़ा आया उसमें करके, तो लगा कि हम कर लेंगे। और मेरा सुबह उठने का हैबिट है, तो लोग बोलता है कि जो दरोगा का जो काम होता है वो आपका कोई दिन रात को कोई फर्क ही नहीं होता है, तो हमारा कि ये तो हम आराम से कर सकते हैं, 4 बजे उठने वाला तो हैबिट मेरे में है ही, हम सुबह उठ के योगा आपके बॉडी का मतलब कि आपको मेंटेन बॉडी से भी रहना पड़ेगा और मेंटल से भी रहना पड़ेगा, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी काम भी आ जाएगा दरोगा में। किसी कोचिंग संस्थान का जो आपने मदद लिया, क्या नाम है उसका? ज्ञान बिंदु GS अकेडमी, जहाँ से ये दावा किया जा रहा है कि 300 स्टूडेंट्स ने बाजी मारी है, क्या ये सही बात है? ये मैं प्रश्न करना भी चाहती थी कि ज्ञान बिंदु से कहा जा रहा है कि 300 दरोगा उन्होंने निकाल दिया इस बार, तो ये फेक न्यूज़ है या फिर रियलिटी है? अगर जिसको फेक लग रहा होगा, पहली बात ये रियलिटी है, अगर दूसरे को फेक लग रहा है तो वो स्टूडेंट बन के जाए, वो टीचर के क्वालिटी को देखे पढ़े, तब लगेगा कि वो भी निकाल सकता है ये दरोगा एग्ज़ाम। ऐसा वहाँ का पढ़ाई का स्टडी मटेरियल है, टीचर का डेडिकेशन है, ऑनेस्टी है, और बहुत ढंग से पढ़ाया जाता है, बहुत तरीके से पढ़ाया जाता है वहाँ पे। आप पास हुई तो कोई फेल हुआ होगा, कोई डीमोटिवेट हुआ होगा, किसी के सपने टूटे होंगे, क्या आपकी तरफ से उनके लिए मैसेज होगा जो हताश हो जाते हैं जब रिजल्ट नहीं आता, जब वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, जब उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती है आगे, उन्हें लगता है कि इस बार फेल हो गया, शायद सेटिंग हुआ होगा, ये पहला एक दिमाग में आजकल जो चीज़ें हैं वो आ रही हैं, क्या उनको आपकी तरफ से मैसेज होगा? पहली बात, अगर हेल्दी कंपटीशन है, अगर बच्चा पढ़ने वाला है तो वो तो पहली बात आएगा नहीं उसको, और उसके पास अगर स्ट्रांग पढ़ने का जितना स्टैमिना बढ़ाएगा, बहुत पढ़ने वाला बच्चा होगा, तो वो पहली बार सेटिंग का दिमाग से हटाना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि अगर प्रॉपर ढंग से और मार्गदर्शन टीचर का मिलता रहे और बच्चा निरंतर पढ़ता रहे, मान लीजिए 2 एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, अगर मैं हूँ और एक मेरी बहन, 2 पढ़ने वाली है, एक बहन फिजिकल का एग्ज़ाम दे रही है पढ़ रही है, एक बहन केवल फिजिकल का तैयारी कर रही है पढ़ नहीं रही है, तो भगवान भी पढ़ने वालों को रिजल्ट देंगे, सोने वालों को रिजल्ट नहीं देंगे, तो लगातार लगे रहना पड़ेगा, एक दिन भी मिस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि GS ऐसा चीज़ है, जनरल अवेयरनेस चाहे GK, जो कि एक दिन दो दिन छूटेगा आपसे तो आपको पीछे फेंक देता है, आप बहुत चीज़ों से पीछे हट जाएंगे, तो लगातार रखना, कि भगवान को भी आपको मंजूर हो कि यहाँ के मैंने मजबूरी बन जाए कि इस बच्चे को तो रिजल्ट देना ही है। आपका डिसिप्लिन क्या रहा है, आपने किस चीज़ पे बिल्कुल काम किया है कि ये चीज़ें मैं हर दिन करूँगी, जब तक मेरा रिजल्ट नहीं आता है तब तक इस रूटीन को मैं फॉलो करूँगी, कुछ ऐसा कुछ, क्योंकि ये टिप्स बनने वाला है बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, क्या आपकी तरफ से आप अपने डिसिप्लिन को शेयर करें अगर तो? भाई जी मेरे बैंकिंग में, भाभी मेरी बैंकिंग में, तो भाई जी का प्रॉपर फंडा था, कुछ करो या ना करो एक सेट मारो डेली, कुछ भी, बैंकिंग में भी डिमांड करता था टेस्ट मारने का, इसमें भी मैंने सोच लिया था कि कुछ कीजिए ना कीजिए, क्योंकि 100 questions पूछा जाता है इसमें MCQ, तो वो क्या होता है कि 100 questions में आपको सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको सारे क्वेश्चन का रिवीजन हो गया, आप एक दिन में 1 घंटे में सारे क्वेश्चन मतलब सारे सब्जेक्ट का आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्वेश्चन को डील करते समय आपको लगेगा कि मैंने पढ़ा है तो क्वेश्चन बन रहा है, और उसका एनालिसिस करने में आपको 2-3 घंटे लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप डेली आपके पूरे सब्जेक्ट को पढ़ रही हैं, तो प्रॉपर टेस्ट पर डे देना है, डेली करेंट पढ़ना है, और जो आपको अगर लैकनेस लग रहा है सब्जेक्ट में उसका रिवीजन करना है, इसी से रिजल्ट मतलब मेरिट बन जाएगा, ऐसे अगर बच्चा एनफ है आपके हिसाब से एग्जैक्टली अगर टेस्ट देगा, उसको कमी पे काम करेगा, रिवीजन करेगा, और जो सब्जेक्ट कमज़ोर है उस पे काम करेगा, और वो 6 महीने ऐसे कर लेगा ना, हमको लगता है मेरिट बनेगा उस बच्चे का, ज़रूर बनेगा। चलिए, इनकी बातों को सुनकर आपका जो एक यात्रा होगा, एक जो आप सपना देख रहे होंगे आप भी दरोगा बने, मुझे लगता है काफ़ी आसान हो जाएगा इनकी बातों को सुनने के बाद। बिहार की बेटी ने इतना नाम रोशन किया है अपने ज़िले का, अपने गांव का, अपने जवार का, अपने किसान पिता का, तो बिल्कुल शुभकामनाएँ दें, कमेंट में भर भर के शुभकामनाएँ दें सुचेता को, बाकी हमारी तरफ से बेस्ट विशेज, बहुत जल्दी हम इन्हें वर्दी में देखना चाहेंगे, SSS के साथ देखना चाहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे इंटरव्यू के बारे में, हमारे कमेंट में जाकर ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और इतनी जानकारी के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।